चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है किसी डाइपोल के। आपको दो चीज ध्यान रखना है, किसी डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे और किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल एकदम मिड में, ठीक है। तो ये पहला केस है जहां एक्सियल पोजीशन पे निकालना चाहो। ये सारा बात हम लोग शॉर्ट डाइपोल के लिए करेंगे, ब्रैकेट में लिखिए फॉर शॉर्ट डाइपोल और सीधा आंसर। For short dipole, L is less than x. L is less than x. मतलब जाहिर सी बात है शॉर्ट है तो ये बहुत छोटा होगा, प्लस और माइनस चार्ज एकदम एक दूसरे के बगल और बगल होगा, और x जो दूरी है वो थोड़ा दूर पे होगा, बहुत बड़ा होगा उसके मुकाबले। एक और बात जो आपको ध्यान रखना है इस केस में वो ये कि जब हम बात कर रहे हो शॉर्ट डाइपोल में तो हम लोग यहां वापस देखिए एल इज लेस देन एक्स। डाइपोल का लेंथ तो 12 लिए थे हम, आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि हम हमेशा हाफ लेंथ कंसीडर करते हैं और इसीलिए इसको 12 ले रहे हैं ताकि हाफ करने पे एल आए, नहीं तो फिर अगर एल लिए होते एक्स लिए होते तो हाफ करने पे एक्स बाई टू या एल बाई टू होता जो कैलकुलेशन को कम्प्लेक्स करता, तो टेंशन गायब हो लेगा। समझ रहे बात को, सीधा फॉर्मूला ई नेट 2kT बाई एक्स क्यू यहां से एक और बात सामने आया ये चीज हम सिर्फ कब लगा सकते हैं जब डाइपोल शॉर्ट हो, लॉन्ग डाइपोल में ऐसा कोई रूल नहीं लगेगा। एक और ग्राफ का बात कर लें ई और एक्स के बीच में, इधर है प्लस क्यू और इधर है माइनस, इस साइड भी आप इधर देखो, इस साइड भी ऐसा बनाइए जगह नहीं इससे ऐसा हो गया, बिल्कुल बनाना होगा एग्जाम में, ये सीधा ऑप्शन बना के देगा जैसे ये है ना वैसे ही इसको यहाँ पे ढकने का ना इसलिए जाना। चलो ये बात अगर हम बात करें इस डाइपोल का, तो इस डाइपोल में के बीच में अगर हम कोई चार्ज रखते हैं या इस बीच में इस डाइपोल का जो लेते हैं उसके बीच में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर हो समाया इसके बीच में, हाँ
चार्ज तो यहाँ है और यहाँ है, इसमें तो ये दूसरे को डिस्टेंस दिखाए हैं, इसमें कुछ है फर्क, तो बीच में मतलब कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी का डायरेक्शन किधर हो, किधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी का डायरेक्शन, बोलो वापस बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इधर बाकी सब लोग क्या इधर होगा, नेगेटिव इधर पॉजिटिव नेगेटिव। एक और बात अगर हम बताएं तो आपको बताए थे कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वो साइड होता है, उस तरफ होता है जिस तरफ कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर मान लो हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज को ये वाला ढकेलेगा और ये वाला हमेशा अट्रैक्ट करेगा, मतलब तय बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये लिख लीजिए इनसाइड द डायपोल इनसाइड डाइपोल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड डाइपोल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अरे आदमी हो यार क्या करा रहे, आज तो जिंदा घर नहीं जाएगा, इस लड़की को साथ लेकर जा रहा था, इसको साथ, अच्छा हाँ ये भी सही, जिंदा नहीं बचना है, इसी को मजा मार दिया है, तू कुछ मत बोलना है, इंटेंसिटी बात कुछ भी नहीं होती है, गजब बोले लड़की का, हम भी तो नहीं हैं। अर्पिता भी 10 दिन तक सब बात कर रहे वो बिल्ली को काट गया, बिल्ली इसको काटा और वो भी इतने मासूम से सवाल, जेन्युइन सवाल था, तुम समझे भी तुम क्या बोली थी, ठीक है ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इज ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, दो चार लोग पता है क्योंकि इतना जल्दी में होगा कि किसी को पता नहीं चला, हाँ तू यही काम सब अगर मेरे पास आया ना दो चार और सर हो गया ना पक्का एकदम एवेंजर्स गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी कितना देखा, गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी मार्वल का इतना अच्छा सीरीज नहीं देखे तुम, वो एवेंजर्स के टाइम का है गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी, कौन ईगो जिसमें ईगो, अच्छा कल देखी नहीं कल परसों सुनिए वो गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी सेकंड वाला पार्ट बॉलीवुड उसके पहले वाला देखो, उसमें ये जो रहता है एक जो हमेशा हंसता रहता है ग्रुप तो बहुत नन्ना प्यारा है वो उसको रॉकेट बोलता है भाई ऐसे, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि तू खलास होने वाला है, रॉकेट गजब कैरेक्टर है, गजब मजा आ गया, रॉकेट का लैंग्वेज खास है एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन,
सैटरडे को स्कूल नहीं जाते हो ना, इस बार जाओ नॉर्मली सैटरडे ऑलमोस्ट नहीं जाते हो। कौन बहुत चालू कर रही है, कोई और दिन एब्सेंट माना चालू कर दो, आपस में मिलकर एक यूनियन बनाओ, स्टूडेंट यूनियन। टीचर को किसे पता कि टीचर एब्सेंट, अच्छा तो कॉलेज फिक्स था कि मैम नहीं आ रहा हूँ, ये पोजिशन इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पे लिखिए और वेरी शॉर्ट डाइपोल। आप लोग को हम आकाश का लेक्चर भेजें कि नहीं, आकाश का लेक्चर फिजिक्स का और सेक्टर नहीं बहुत जल्दी भेज देंगे, प्रूफ वाला पार्ट सब देख लीजिए, बाकी सब कुछ और वेरी शॉर्ट डाइपोल, ये दोनों का प्रूफ इंपॉर्टेंट है, तुम चाहो तो हेडिंग पे इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, बोर्ड के लिए करना, नीट में प्रूफ पूछता है। यहाँ तक बहुत छोटे डाइपोल का बात करेंगे, ई नेट आता है, पिछले वाले में ई नेट कितना था, 2 kp/r³, यहाँ कितना है kp/r³, मतलब ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल, क्या है ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल 1/2, ये भी नीट में पूछा हुआ सवाल है, नीट और जेई में दोनों में पूछा, कौन सा ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल कितना है, ऐसा सोच के आओ जेई में से निकल ही जाए, केमिस्ट्री में क्या चल रहा है, अच्छा था पढ़ा, सॉल्व तो पढ़ाई थी मेरी तो, हाँ भाई अभी जाना है तो सरकारी तो सीधा सर्किट से चालू है, सॉल्व ठीक लगा भैया, खराब नहीं लगा, खराब कौन कहा, सॉल्यूशन से बहुत क्वेश्चन मिलेगा, यही भी नीट में जाता हूँ, सॉल्यूशन 3 से 4 क्वेश्चन बहुत पगलाया, कुछ ज्यादा पढ़ लिया, सही में सही में नहीं भैया, सही में पढ़ा दिया बहुत ज्यादा, पैकेज में भेजें आकाश वाला, उसमें जरा सॉल्व कर देखना, सॉल्यूशन वाला भी होगा, आसान देखना, हम भी नहीं देखे, हम जाएंगे और अरे हम साल ही काम करते हैं, आप जैसे ही हम बजा ठीक है, उस आप हटा ही दो लिखो करो और ठीक हो जाओ, तेरे काम का जो होगा वो कहीं ना कहीं से मेरे पास आ जाएगा, उतर तक पहुंच जाए, फालतू अटेंडेंस डाल लो, ग्रुप में वहां हजारों दसर बच्चा होता है, इतना मैसेज आता है पगला जाओ, उसके सब में मत पढ़िए पचड़े में, डन आगे बढ़ो, तीसरा हेडिंग आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल,
शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट टू शॉर्ट डाइपोल ठीक है केस कुछ ऐसा है हम लोग दो केस अभी तक देखे हैं या तो एक्सिस पे या इक्वेटोरियल लाइन अभी के रैंडम पॉइंट मान लो बोल दीजिए यहां तो छत्ता नहीं था थी इस केस में क्या करें इस केस में क्या करें सेंटर से एक पॉइंट लाइन यहां पे चाहिए आर बोल दिया दूरी पे और मे बी की उस एक्सिस से थीटा एंगल पे ठीक है तो किसी रैंडम पॉइंट पे इंक्रीमेंट का वैल्यू होता है ए पी बाई आर क्यू रूट अंदर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन थ्री ही है कि नहीं हम कंफर्म क्या सही बोलिए कोई कष्ट परेशानी कुछ भी सर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा डायरेक्ट फॉर्मूला थीटा का भी वैल्यू पूछता है या कई बार टैन अल्फा अल्फा क्या है ये जो है यहां से इस एक्सिस बनाए ये तुम्हारा इसके एक्सियल ये इक्वेटोरियल मान लो ईनेट इधर जा रहा है इस पॉइंट पे जो ईनेट आया उसका डायरेक्शन इधर और इस ईनेट का ये एंगल बना रहा है मान लो अल्फा ठीक है ये जो अल्फा बन रहा है किसके साथ इसके एक्सिस के साथ बन रहा है ना कि इस एक्सिस के साथ जो बना उसको बोले थीटा जो इस एक्सिस के साथ बना अल्फा अल्फा क्या है ये जो डिस्टेंस वाला लाइन है डिस्प्लेसमेंट वाला उसके साथ ई नेट के बीच का एंगल तो कई बार आपसे अल्फा का वैल्यू पूछता है टैन अल्फा आता है टैन इनवर्स टैन थीटा बाय टू ये भी पूछता है इससे भी सवाल आते देखें क्वेश्चन लिखिए फाइंड थीटा इफ ई नेट इज परपेंडिकुलर टू पी इफ ई नेट इज परपेंडिकुलर टू पी ई नेट पी इधर आएगा समझ रहे हो पी क्या है डाइपोल अगर ये ई नेट डाइपोल के परपेंडिकुलर हो उसके लिए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए थीटा का वैल्यू पूछा बहुत सिंपल है
बोलो अगर हिंट है तो एक और एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू 90 बोल रहा है, अल्फा थीटा के बीच में आपको कुछ कुछ रिलेशन मालूम है। हो गया ना? ऐसा कोई वैल्यू नहीं यार। अब वापस बोलो, वापस बोलो। 60 डिग्री पहले से कुछ करी हुई है क्या? कैसा है वैसे? ये एग्जैक्टली सेम आंसर नहीं, ऐसे बताओ क्या की अल्फा मतलब ये। ठीक 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 इसको कैसे करें? ऐसा होता तो कैसे होता समझ में आता है? वैसा भी होता है। ऐसा गलत हो जाए पता हो जाएगा। अगर ये इतना सिंपल होगा मेरे नोट्स में ऐसा नहीं लिखा होगा, फिर तो सीधा अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय 2 लिखते। एक काम करते ना, इतना टेंशन काहे का लेने का, एक काम करते वन बाई टू किसमें आता साइन में? जीरो वन बाई टू फटेंगे, हमको पता है साइन 30 इज इक्वल टू साइन 90/2 होता है। अगर हम ये काट दें तो वैल्यू मेरे पास सेम आएगा, देखो तो ना ये होता है, अगर हम ऐसे सॉल्व करें तो आएगा। सही बात है, 1/2 आ जाएगा, बट अगर हम साइन साइन हटा रहे हैं तो आएगा दोनों बराबर। ऐसे डिस्प्यूट कर लो बच्ची, दो है एक साथ तो हटा है, ये है tan 30 जो कि मतलब एक साथ एंगल अलग है, यहाँ एंगल अलग नहीं है ना, ये पूरे के साथ ये बाई टू ओवरऑल में है। अगर ये ऐसा होता ना तो होता, सही बात है तुम्हारा, लेकिन अगर ये ओवरऑल होगा तो नहीं होता भाई, पता है समझे? चलो बहुत बढ़िया, नाउ फीलिंग प्राउड, बायोलॉजी का मास्टर मैथ सिखाया।
लिखिए आंसर लिखिए इसका, आएगा वैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा आराम से। थीटा आएगा, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स रूट टू, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स रूट टू, गॉट इट। नेक्स्ट इज हो गया, क्या हो गया, क्या पढ़ते हैं पिछला क्लास में तो भाग गई थी ये, देखिए अकेले हम लोग टेंशन नहीं, आराम से पढ़ते हैं, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं नहीं सर नहीं चलता है, कहीं सर सर निकल के रूम में आ गया। ये कहीं लिखिए, इट्स वैल्यू विल लाइफ फ्रॉम 53 डिग्री टू 60 डिग्री, वैल्यू विल लाइफ फ्रॉम 53 डिग्री टू 60 डिग्री, वैल्यू विल लाइफ फ्रॉम 53 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। चलिए आज के बाद अगले, हेलो।